वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। आज से हमारा बिल्कुल नया टॉपिक शुरू होने वाला है। पिछले टॉपिक्स तक किसी भी स्टूडेंट को प्रणाम। अंकित, मनीषा, राखी, गौरव, अंजलि, फटाफट ये बता दो, सब सही सुनाई दे रहा है? क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारे जो पुराने टॉपिक्स हो चुके हैं उसमें मैंने लगभग अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी यदि आपका कोई डाउट होगा तो आप कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है? डाउट सेशन हम किसी दिन रख भी लेंगे, ठीक है? हफ्ते में एक दिन डाउट सेशन रख लेंगे। आप अपने डाउट लिख के रखा कीजिए, मतलब डाउट नहीं रहना चाहिए कुछ, ठीक है? आज से जो है हमारा बिल्कुल नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, और मौलिक अधिकारों को जब भी हम पढ़ेंगे ना, तो इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि भाई हाँ, बस एक होता है ना कि हाँ हमने मौलिक अधिकार कंप्लीट कर लिए, कोई पूछे तो हम बता ही ना पाए, तो ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता है। वो होता है बेसिकली हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मौलिक अधिकारों को पढ़ने के बाद यदि आपसे कोई भी पूछे कि भाई आर्टिकल 12 क्या है, 13 क्या है, 14 क्या है, 15 क्या है, 19 क्या है, 20 क्या है, 22, मतलब कोई भी फंडामेंटल राइट का आर्टिकल पूछे, तो आप विद एक्सप्लेनेशन बताने में सक्षम हो उसको कि भाई आर्टिकल 14 जो है वो विधि के समक्ष समता, विधियों के समक्ष समान संरक्षण, और विधि के समक्ष समता क्या है, संरक्षण क्या है, विधि के समक्ष समानता का क्या मतलब है, विधि के शासन का क्या मतलब है, तो ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो, इस तरीके से हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबकी अकेडमी ललिता दहिया अकेडमी पे। फटाफट जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम ग्रुप। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, मैं एक मिनट रुक जाऊँ, एनेबल एडिटिंग नहीं की है तो मार्कर मेरा काम नहीं कर रहा है। मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब आपको यहीं पे मिलेंगे। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों। आप मेरे इंस्टाग्राम ललिता दहिया अकेडमी और मेरे फेसबुक पेज ललिता दहिया अकेडमी से भी जुड़ सकते हैं। अपने फोन में फटाफट इंस्टॉल कर लीजिए ललिता दहिया अकेडमी ऐप को। यहाँ पे हम बहुत ही शानदार तरीके से मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा, जो बच्चे मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, लगभग 130 के आसपास स्टूडेंट, 130 प्लस स्टूडेंट मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि मेन्स को पढ़ा कैसे जाता है, उसको अवधारणात्मक तौर पर समझा कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है। बहुत सरल होता है पढ़ना, लेकिन उसका तरीका आना चाहिए। तो आप जुड़ सकते हैं पॉलिटी विद करंट अफेयर्स फॉर आईएएस मेंस 22, 23, 24, और इसमें मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग भी साथ के साथ सिखा रही हूँ, ठीक है? तो आप जुड़ सकते हैं मेरे इस बैच से। इसके साथ ही दोस्तों 11 जुलाई से, इसके साथ ही 11 जुलाई से इंटरनेशनल रिलेशंस विद करंट अफेयर्स फॉर आईएएस मेंस शुरू होने वाला है, जिसमें पूरे सिलेबस की कवरेज कराई जाएगी, करंट से एड ऑन कराया जाएगा, क्योंकि आईआर जो है ना, बिना करंट के कुछ नहीं है, करंट से ही सारी चीजें यहाँ पे एड ऑन होती हैं, और साथ में लिखना सिखाया जाएगा। फीस है मात्र 1625 रुपए। तो आप जुड़ सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस जानने के लिए, समझने के लिए और लिखना सीखने के लिए मुझसे ललिता दहिया अकेडमी ऐप पे। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और क्लास के बाद कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए। यदि आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ रही है चीजें, तो शेयर जरूर करना, ठीक है? तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, मूल अधिकारों की। धीरे धीरे पढ़ेंगे हम एक एक चीज को समझते हुए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बात याद रखनी है कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है, उनका जिक्र कहाँ किया गया है। तो सबसे पहला भाग 3 में, आपको पता है जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान निर्माताओं ने अपनी सुविधा के लिए अलग अलग भाग में डिवाइड किया है पूरे संविधान को, कि भाई एक भाग में नागरिकता है, एक भाग में फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, न्यायपालिका है, इस तरीके से अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र है दोस्तों, और इस भाग 3 में भी बेसिकली आर्टिकल 12 से लेके 35 तक,
तो यदि ये बिल्कुल स्टेट पीसीएस में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बिल्कुल आप लोग नए हो ये समझ के पढ़ा रही हूँ, ठीक है। पीसीएस देने जाओगे सीधा सीधा पूछ लेगा कि भाई भाग तीन की जगह दे देगा भाग चार, है ना, तो गलत हो जाएगा। तो भाग तीन आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट का जिक्र है, पहली बात। दूसरी बात हमको ध्यान रखनी है, मैंने आपको पढ़ाया था संविधान के स्रोत, संविधान के निर्माण वाले टॉपिक पे या संविधान की विशेषताओं वाले टॉपिक में पढ़ाया था। संविधान के स्रोत का मतलब क्या है कि हमारे देश में बहुत सारे हमने ऐसे तत्वों को संविधान में ऐसे तत्वों को ग्रहण किया है जो दूसरे देशों से हमने लिए हैं। तो याद रखिएगा फंडामेंटल राइट कहां से लिए हैं, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, फटाफट बता दो फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट लिए हैं हमने बिल ऑफ राइट से, जो कि अमेरिका की संविधान की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। तो अमेरिकी संविधान से, संविधान के भाग तीन को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है जिसमें न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया है। तो यदि आपसे पूछे कि भाई भारत के संविधान का, भारत का मैग्ना कार्टा कौन से भाग को कहा जाता है, ये मैग्ना कार्टा कुछ नहीं था, ये 1215 की इंग्लैंड की एक घटना है जहां पे संवैधानिक कानूनों की बात की गई थी, ठीक है। तो वहीं से ये कहा जाता है कि भाई भारत का मैग्ना कार्टा यानी संवैधानिक कुछ विशेष प्रोविजन, तो भाग तीन को कहा जाता है यानी मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। अब ये व्यक्ति कहां कहां आएंगे ये मैं बताऊंगी आपको, कि क्या जो फंडामेंटल राइट हैं वो सभी लोगों को दिए गए हैं, कि कुछ फंडामेंटल राइट केवल भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं और कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं, ठीक है। तो ये डिफ्रेंसिएशन हम देखेंगे आगे चल। मुझे ये बताओ बिल्कुल क्रिस्टल एक एक चीज याद हो रही है, भाई भाग तीन 12 से 35 अमेरिकी संविधान से लिए हैं, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट की सुरक्षा की गारंटी दी गई है। अब वो अलग बात है कि इस हर व्यक्ति में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया गौरव। अब बात करते हैं मूल अधिकारों को, हम बेसिकली जब हम इसको ऐसे समझो, फंडामेंटल राइट है और ये है डीपीएसपी, इसको बार बार पढ़ाऊंगी। फंडामेंटल राइट को ना राज, ये कहा जाता है कि भाई फंडामेंटल राइट राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करने का मतलब क्या है, फंडामेंटल राइट लोगों को दिए जाते हैं, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, समानता की स्वतंत्रता है, ठीक है, मतलब समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इससे ना व्यक्ति सशक्त होता है एज अ सिटीजन, एक व्यक्ति एज अ सिटीजन यानी नागरिक के तौर पे सशक्त होता है जब उसे बोलने की आजादी रहेगी, है ना, या उसे सम्मेलन की आजादी रहेगी, संघ बनाने की आजादी रहेगी, तो व्यक्ति सशक्त होता है और एक सशक्त नागरिक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है। आप इस एंगल से भी इसको समझ सकते हैं, भाई अगर मान लो आप नागरिकों को बोलने की आजादी नहीं दोगे तो फिर क्या पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है वो मजबूत हो पाएगी, है ना, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अधिकार नागरिकों को सशक्त बनाते हैं और ये नागरिक डेमोक्रेसी को सशक्त बनाते हैं, है ना। तो याद रखिएगा जो फंडामेंटल राइट है वो राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श रखते हैं यानी राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। और यहीं पे डीपीएसपी को देख लो, ये सामाजिक प्लस आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। डीपीएसपी में अलग से बताऊंगी कैसे बढ़ावा देते हैं, अलग अलग आर्टिकल का जिक्र करके बताऊंगी, अभी आपको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी समझ में आया ना। अब ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं। पहली बात तो देश में व्यवस्था बनाए रखने के लिए फंडामेंटल राइट जरूरी है भाई, और ये भी जरूरी है कि फंडामेंटल राइट निर्बाध ना हो। निर्बाध का मतलब क्या होता है, कि ऐसा ना हो कि इनके ऊपर कोई कंट्रोल ही ना हो, फिर तो प्रत्येक व्यक्ति ये सोचेगा मेरे अधिकार हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, मेरे अधिकार है, मैं तो जो है रात में 12 बजे सड़क के बीच में 10 बूफर लगा के आराम से बैठूंगा, मैं तो नाचूंगा, मेरा अधिकार है।
ठीक है आपका अधिकार है भाई साहब बहन जी, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था भी तो कुछ चीज होती है ना, आप आने जाने वाले लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते, यानी निर्बाध फंडामेंटल राइट नहीं दिए गए हैं, इस बात को ध्यान रख लेना। एक बार ऑल ओवर कंसेप्ट भी समझ लो, और जब हम अलग अलग आर्टिकल पढ़ेंगे ना, आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 35 तक जब आर्टिकल पढ़ेंगे, हर एक फंडामेंटल राइट के ऊपर कुछ ना कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। युक्तियुक्त प्रतिबंध यानी ऐसे प्रतिबंध जो जरूरी होते हैं। क्यों जरूरी होते हैं? ताकि दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। अब एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे को तो भाषण का अधिकार है, मेरे को तो वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार है, मैं तो कुछ भी बकवास करूंगा, मैं तो किसी को गालियां बकूंगा, मैं तो देश के खिलाफ में कुछ बोलूंगा, तो उसको चार डंडे भी लगाए जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं हर एक मौलिक अधिकार पे। वो इसलिए लगाए गए हैं ताकि सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे और साथ ही दूसरे लोगों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन ना। बिल्कुल सही बात, एकदम सही बात है सलमान, दूसरों के अधिकार का उल्लंघन ना, युक्तियुक्त प्रतिबंध। और दूसरा, राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा। अभी इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, एक अच्छी सी लाइन आएगी तब। ये आ ही गई, ये विधानमंडल, यहाँ पे ध्यान रख लेना, विधानमंडल का मतलब पॉलिटी आप पढ़ रहे हो तो ये मत सोचना कि विधानमंडल का राज्य है, विधानमंडल है ना, विधानमंडल का मतलब है विधायिका, इसे हम कह सकते हैं संसद। ये संसद के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था आईएएस में एमसीक्यू कि भाई जो फंडामेंटल राइट है ना, वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के अधिकार है, राज्य के विरुद्ध, यानी फंडामेंटल राइट्स राज्य को यानी कि संसद को रोकते हैं कुछ उनको कम करने में। यदि संसद कटौती करना चाहे, सुन लो, दो चीजों में कंसेप्ट क्लियर रखना, ये है फंडामेंटल राइट। यदि संसद इनको कम करना चाहे या संसद इनको समाप्त करना चाहे, तो संसद सामान्य विधि द्वारा नहीं कर सकती, संसद को रोका जा सकता है। रोकेगा कौन? न्यायपालिका। अगर इसलिए कहती हूँ कंटिन्यू क्लास में आइए, हमने अभी फ्राइडे को खत्म किया है भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना, और यदि आपको बेसिक स्ट्रक्चर वाले पूरे कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आप फंडामेंटल राइट की इस अवधारणा को सीधे सीधे जोड़ सकते हो। एम आई राइट और रॉन्ग, बताओ भाई, समझ रहे हो ना? यानी संसद फंडामेंटल राइट को यदि संशोधित कर सकती है, तो भी सामान्य विधि द्वारा संशोधित नहीं कर सकती कि भाई संसद बैठी कानून बना दो, फंडामेंटल राइट को खत्म किया जाता है ना। आपको यदि संशोधन करना भी है, तो भी आप संविधान संशोधन की प्रोसेस के द्वारा संशोधन कर सकते हैं, ठीक है? यानी विधानमंडल के कानूनों के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। यदि सामान्य विधि बना के फंडामेंटल राइट को कम किया जाता है, छीना जाता है, तो फिर हम कहां जा सकते हैं, कौन बताएगा? समझ में आ रही है ना चीजें? ठीक है, क्लास में रेगुलर रहोगे तो क्यों नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि सारी चीजें ना इंटरकनेक्टेड होती हैं। आपने एक टॉपिक में पढ़ लिया तो दूसरे टॉपिक में उसका कुछ ना कुछ अंश आपको देखने और सुनने को मिलेगा। बहुत बढ़िया। अरे कहाँ गायब थे टीएच महोदय? मैं बल्कि पूछने ही वाली थी भाई, ठीक ठाक हो ना? बहुत बढ़िया। याद रखना, जब भी किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है ना, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाय तो वा मचाते हुए, ठीक है? और मचाना भी चाहिए भाई, फंडामेंटल राइट उल्लंघन हुए, छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। तो याद रखना, ये गारंटी दी गई है। यही बात है कि मूल अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा गया है, फंडामेंटल राइट क्यों कहा गया है। बहुत सारे अधिकार होते हैं, जैसे विधिक अधिकार होते हैं, संवैधानिक अधिकार होते हैं, मानव अधिकार होते हैं, मूल अधिकार क्यों कहा गया है, फंडामेंटल राइट क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है क्योंकि संविधान द्वारा इनको गारंटी दी गई है, सुरक्षा दी गई है। यदि आपसे पूछे मूल अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा गया है, तो आप कह सकते हो कि भाई इसीलिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट को ना गारंटी दी गई है,
कि यदि इनका उल्लंघन होता है तो फिर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। यानी जो राष्ट्र कानून के मूल सिद्धांत है, ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। दो चीजें, मूल अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है भाई, फंडामेंटल राइट्स। पहली बात तो बेसिक इसलिए है, ये फंडामेंटल इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का आधार है। यदि आपके पास राइट्स नहीं होंगे, बोलने का, घूमने का, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धर्म का, संस्कृति के संरक्षण का, तो आप अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएंगे। एक दबा कुचला व्यक्ति बन के रह जाएंगे। यदि आपको बोलने की आजादी नहीं दी गई, यदि आपको शोषण के विरुद्ध आजादी नहीं दी गई, तो लोग आपका शोषण करते रहेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि आपको धर्म की आजादी नहीं दी, तो एक धर्म प्रधान हो जाएगा और आपको अपने धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने से भी रोका जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं आप लड़ नहीं पाओगे अपने अधिकार के लिए। मेरी बात समझे? तो मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का आधार है और दूसरा इनको गारंटी दी गई है हमारे संविधान के द्वारा, आर्टिकल 32। अभी मैं डिटेल से बताऊंगी, टेंशन मत लो। अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ कंसेप्चुअल तरीके से समझ में आना चाहिए, रट के मत जाना मेरी क्लास। मुझे ये बता दो, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, पॉलिटिकल राजनीतिक लोकतंत्र कैसे स्थापित करते हैं, बिल्कुल अच्छे से बताया, संसद की तानाशाही को मर्यादित करते हैं, मूल क्यों कहा जाता है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया सब बच्चों को। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब बात करते हैं मूल रूप से संविधान। जब हमारा संविधान बना तो ये क्वेश्चन बनता है पीसीएस में, याद रखना कि मूल रूप से कितने फंडामेंटल राइट थे। जब हमारा संविधान बना तो याद रखिएगा, मूल रूप से 7 फंडामेंटल राइट। अभी हम अभी हम आगे जिक्र करेंगे क्या हुआ क्या नहीं। अभी इतना समझो, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, समानता का अधिकार है भाई आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23 से लेके आर्टिकल 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है आर्टिकल 29 और 30। संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 31वें। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32। ये मत सोचना फंडामेंटल राइट नहीं पट गए, एक एक आर्टिकल के ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे तब जाके फंडामेंटल राइट निपटेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो कि भाई जो मूल संविधान था ना, उसमें 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, आपने देख लिया। लेकिन हुआ क्या, जो संपत्ति का अधिकार है ना, इसको लेके बड़ा क्लेश हुआ। मतलब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में काफी वाद विवाद हुआ, जो कि मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, है ना, जाके देख लेना। संपत्ति के अधिकार को ना 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया। यानी इसको, यानी वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है, इसको भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया गया। यानी वर्तमान में जो राइट टू प्रॉपर्टी है इज अ लीगल राइट एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कानूनी अधिकार के साथ साथ एक संवैधानिक अधिकार हम कह सकते हैं, आज की डेट में संपत्ति का अधिकार है। यानी अभी आपसे पूछे कि भाई कितने फंडामेंटल राइट हैं, तो आप क्या बताओगे, 6 फंडामेंटल राइट। दो चीजें क्लियर हुई कि भाई मूल संविधान में 7 फंडामेंटल राइट थे, संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा फंडामेंटल राइट से निकाल के विधिक अधिकारों में शामिल कर दिया गया और वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको ना मनीष सही बोल रहे हैं, थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है। मैं स्टूडियो भी लगवाने की सोच रही हूँ, लेकिन उस प्रोसेस में लगभग अभी 1.5-2 महीने का टाइम लग जाएगा। स्टूडियो लग जाएगी तो एकदम सब आपको एकदम बड़ा बड़ा दिखेगा, कोई टेंशन नहीं है। इसको ना मैं कल की स्लाइड में इसको मैं जूम करवा लूंगी ऑलरेडी।
अभी एक एक पेज पे जूम करना मनीष मेरे लिए काफी टफ होगा, है ना, वो भी मेरे लिए, टेक्निकली आप समझते ही हो, है ना, बस पढ़ा रही हूँ किसी तरीके से, समझ में आ गया। अब देखो, अब हमें ये बात करनी है कि भाई कुछ अब मूल अधिकारों की विशेषताएं देखेंगी एक एक बार। अभी तक हमने समझा कि भाई ऐसे मूल अधिकार है, इस भाग में है, इतने थे, अब इतने हैं, ठीक है, ये सारी चीजें देखिए। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स या फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इनकी विशेषताएं देखेंगे। पहली विशेषता ही होती है फंडामेंटल राइट की कि कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो नागरिक है, विदेशी है या कानूनी व्यक्ति है, जैसे परिषद व कंपनियां वगैरह। तो याद रखिएगा, पांच अनुच्छेद एकदम दिमाग में सेट कर लो, हर पीसीएस में, इनफैक्ट आईएएस में यहां से क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है। कई बच्चे तो लिख क्या बोल रहे, स्टूडियो बनाने में 3 दिन लगता है, 3 महीने कैसे, अरे अभी प्लान चल रहा है ना, तो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना। ध्यान रखिएगा, 5 अनुच्छेद हैं, 15, 16, ये 15 ही है ना, हाँ 15, 16, 19, 29 और 30, केवल इतना याद रखना है। यानी आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं, और इन 12 से 35 में ये 5 अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त होंगे, केवल नागरिकों को, बाकी के जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो सबको प्राप्त होंगे। इतना एक मोटा मोटा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, सीधा सीधा आपको ऑप्शंस देता है। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि 15 में क्या है, 16 में क्या है, 19 में क्या है, 29 में क्या है, 30 में क्या है, और बाकी आर्टिकल्स में क्या है। ये हम धीरे धीरे फंडामेंटल राइट को कवर करेंगे, 3-4 दिन लगेंगे कवर करने में, काफी बड़ा टॉपिक है ये, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई कि कुछ फंडामेंटल राइट केवल नागरिकों को प्राप्त है, जिसमें 15, 16, 19, 29, 30, और बाकी सभी लोगों को प्राप्त होंगे, जिसमें नागरिक भी होंगे, विदेशी भी होंगे। अगली विशेषता है दोस्तों कि ये ना असीमित नहीं है, असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य है, राज्य इन पर युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। असीमित का मतलब वही है कि मैं तो डीजे सुनूंगा बीच सड़क में बैठ के, तो आपको खड़काया जा सकता है। आप कहोगे कि मेरे को तो ना सम्मेलन का अधिकार है, ठीक है भाई, सम्मेलन का अधिकार है, मैं तो ना तलवारें लेके सम्मेलन करूंगा, बंदूकें रखी है हमारे पास, हम तो बंदूकें लेके सम्मेलन करेंगे, तो फिर आपको सम्मेलन करने से रोका जा सकता है, है ना। तो युक्ति युक्त प्रतिबंध, एक एक आर्टिकल जब मैं पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि 14 के क्या प्रतिबंध है, 15 के क्या है, 19 के क्या है, 20 के क्या है, जो भी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सीमित नहीं है फंडामेंटल राइट, इनके ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अगला, तीसरी विशेषता है, इस तरह के व्यक्तिगत अधिकारों और पूरे समाज के बीच संतुलन कायम करते हैं, यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच होता है। ये बेसिकली इसी क्या अगली लाइन है कि भाई असीमित नहीं है, इसीलिए तो ये व्यक्तिगत अधिकार, यानी मेरे कुछ अधिकार हैं, और समाज के बीच संतुलन स्थापित करता है। यदि ये युक्ति युक्त प्रतिबंध नहीं होंगे तो फिर कोई कुछ भी करेगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, और एक भी व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ये अनिवार्य है कि आप अधिकारों के ऊपर कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाएं, ताकि व्यक्ति के अधिकार और समाज के बीच संतुलन स्थापित हो सके, है ना। ये वो वाला एग्जाम्पल देती हूँ ना कि मेरे पास छड़ी है बहुत बड़ी सी, और मैं छड़ी लेके गई हूँ पार्क में घूमने, अगर उस पार्क में कोई नहीं है तो मैं अपनी छड़ी को कैसे भी घुमाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस पार्क में यदि 50 लोग घूम रहे हैं और फिर भी मैं कहूंगी मैं तो घुमा के चलूंगी, अब मेरी क्या गलती, कोई सामने आ रहा है, सर फूटे तो फूटे, आंख फूटे तो फूटे, मेरा क्या जाता है, मेरा तो अधिकार है, मैं तो ऐसे ही चलूंगी, है ना। तो फिर मेरे को रोका जा सकता है कि देखो भाई बहन जी ऐसा है, ठीक है, आपका यदि फंडामेंटल राइट है तो दूसरों का भी तो फंडामेंटल राइट है आजादी से घूमने का, आप यदि अपने फंडामेंटल राइट का संरक्षण कर रहे हो तो दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते, यानी आपकी छड़ी घुमाने की स्वतंत्रता के ऊपर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मेरी बात समझ में आई, यही है 2 विशेषताएं आपने देख ली, कुछ फंडामेंटल राइट केवल नागरिकों को, और फंडामेंटल राइट असीमित नहीं होते, ठीक है। अरे मैं कर नहीं रही हूं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूं, मैं एक सभ्य नागरिक हूं, है ना, और अपने अधिकारों के साथ दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना
प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है और करनी भी चाहिए, है ना। वैसे भी मैं छड़ी लेके नहीं, अभी बूढ़ी नहीं हुई हुई है ना, हो सकता है कि और 10-20 साल बाद छड़ी लेके घूमना पड़े बुढ़ापे में। चलो अब देखो, वे सभी अधिकार सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है, हालांकि उसमें कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध होते हैं। बेसिकली ये बोल रहा है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है ना, सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है, यानी सरकार एक पक्षीय निर्णय से हमारे फंडामेंटल राइट को कम नहीं कर सकती, समाप्त नहीं कर सकती, और विधि बना के कम या समाप्त नहीं कर सकती सरकार, यानी हमें संरक्षण है। यदि सरकार, मतलब ये नहीं कि आज सरकार, आज जो है संसद बैठी है और संसद कहे कि निर्णय दिया जाता है कि लोगों की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त किया जाए, तो न्यायालय कहेगा किस आधार पर निर्णय दे दिया, संविधान संशोधन तो करो, यदि कम भी करने हैं तो आपको अधिकार। तो ध्यान रख लेना, सुरक्षा है हमें राज्य के विरुद्ध, साथ ही व्यक्तियों के विरुद्ध भी सुरक्षा है। याद रखिएगा, कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है। ये कैसे है? आर्टिकल 15 के आधार पर, जैसे कोई भी व्यक्ति या राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं, एक व्यक्ति ने अपना सिनेमा हॉल खोल लिया और सिनेमा हॉल में ये कह दिया कि, मतलब किसी भी जाति को ये कह दिया कि भाई इस जाति के लोग अलाउड नहीं है यहाँ पे आने, तो फिर क्या होगा? सीधा जा सकते हो कोर्ट में। अच्छा, हमसे भेदभाव करोगे, अपने घर के अंदर आप कुछ करो, लेकिन आप जो है किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते इस आधार पे, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पे, तो फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाएगा आपको, आपका जो सिनेमा हॉल है वो थोड़े दिन के लिए बंद बंद हो जाएगा, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। मेरी बात समझे? यानी यहां से क्या कंक्लूजन निकला, लोगों के जो फंडामेंटल राइट है वो राज्य के विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान करते हैं और वो निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी कुछ मामलों में सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी निजी व्यक्ति भी आपके साथ इस तरीके के विभेद नहीं बरत सकते। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार देता है। यदि एक निजी व्यक्ति कहे किसी व्यक्ति को जाति के आधार पे कि भाई ये व्यक्ति तो अस्पृश्य है, मैं इसे जॉब नहीं दूंगा, तो फिर क्या होगा? आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। ये है अधिकारों की ताकत। तो ये दोनों में दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए। अंकित क्या बोल रहे हैं भाई? प्रश्न ले लेती हूँ एक दो, मैं पढ़ाए जा रही हूँ। मैम, यदि प्राइवेट सेक्टर में भेदभाव हो तब क्या करें? देखो, याद रखना, भेदभाव क्वालिफिकेशंस वगैरह के आधार पे हो सकता है, लेकिन जाति, धर्म, लिंग के आधार पे यदि भेदभाव होता है तो आप सीधे जा सकते हो कहाँ? कोर्ट में, और कोर्ट अच्छे से आपकी सुनवाई करेगा, ठीक है? क्योंकि निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी भेदभाव का के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। याद रखना, निजी व्यक्ति भी आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकते भाई। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है। क्या बोल रहे हो? गवर्नमेंट प्राइवेट कोई भी। अंकित का क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहे हो मैम? क्या ये प्रावधान आंग्ल भारतीयों पे भी रहेगा? हाँ, बिल्कुल रहेगा। आंग्ल भारतीयों को ना हम इंडियन सिटीजन मानते हैं भाई, ये मत भूलो। आंग्ल भारतीय का मतलब क्या है? उनका जन्म भारत में हुआ है, सब कुछ आंग्ल भारतीय होता है कि भाई दोनों में से, माँ पिता में से एक यूरोपीय हो, या फिर आप बेसिकली कह सकते हो कि ब्रिटिश नागरिक हो, और मान लो पिता ब्रिटिश नागरिक है, माँ भारतीय है, ठीक है, बच्चे का जन्म हुआ है, या आप बोल सकते हो माँ ब्रिटिश है और पाप, मतलब जो पिता है वो भारतीय है, तो ये हो गया आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीयों को आप विदेशी क्यों मान रहे हो भाई? आंग्ल भारतीय इंडियन ही होंगे ना, इंडियन सिटीजन होंगे, और इंडियन सिटीजन होने के नाते उनको वो सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो सबको प्राप्त होते हैं, ठीक है। अपवाद एक एक करके बताऊंगी, याद रखना महेंद्र, जब आर्टिकल 14 पढ़ेंगे 15, अभी तो बस एक भूमिका बता रही हूं मैं, एक एक आर्टिकल को डिटेल से पढ़ेंगे, सब्र रखो। एक वो आजकल मीम नहीं बनते हैं, रुको जरा, देखा है वो? रुको जरा, सब्र करो, एक एक आर्टिकल को अच्छे से पढ़ेंगे तब बताऊंगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कुछ नकारात्मक, अब जैसे देखा कि राज्य के विरुद्ध और निजी व्यक्ति के खिलाफ, अब कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं,
जैसे राज्य को प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित तथा कुछ सकारात्मक होते हैं। ये विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट की। अब ये बोल रहा है कि भाई कुछ फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जो नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, यानी राज्य के प्राधिकार को सीमित करते हैं कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे कि फंडामेंटल राइट कम हो जाएं। और कुछ अधिकार सकारात्मक प्रवृत्ति वाले होते हैं जो राज्य को कानून बनाने के लिए कहते हैं, जैसे आर्टिकल 21 का विस्तार हो गया। जैसे आप 15 में देखोगे जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं या जो वंचित तबके हैं उनके संरक्षण के उपाय करने से संबंधित होंगे। तो यदि आपसे कहे कोई कि सारे फंडामेंटल राइट नकारात्मक होते हैं, नकारात्मक का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अधिकार राज्य को कुछ करने से रोकते हैं कि ऐसा है राज्य जी, आराम से बैठे रहिए, हमारे फंडामेंटल राइट हैं और सामान्य विधि बना के आप हमारे अधिकार नहीं छीन सकते, यानी राज्य को रोक रहे हैं ये कि ना 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 आपको छीनना नहीं है मौलिक अधिकारों को। कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो राज्य को कह रहे हैं कि राज्य जी थोड़ा लागू कर दो, आर्टिकल 21 में इतने सारे अधिकार दे दिए हैं, थोड़ा लागू कर दो इनको, थोड़ा अलग से बना दो कुछ प्रोविजन। मेरी बात समझिए, एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होगा, एक विशेषता ये होगी, कुछ अधिकार नेगेटिव राज्य को नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, कुछ सकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं। अगला है दोस्तों, अगली विशेषता है ये न्यायोचित होते हैं। न्यायोचित का मतलब होता है जस्टिसेबल होते हैं। अभी आ रही हूँ अफजल, एक मिनट रुक जाओ। कुछ न्यायोचित होते हैं यानी जस्टिसेबल होते हैं, यानी न्यायालय में लागू कुछ नहीं सभी मौलिक अधिकार न्यायोचित होते हैं। ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं। यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो व्यक्ति हाई कोर्ट भी जा सकता है और सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर सकता है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है, 5 अलग अलग रिट्स के माध्यम से। यानी इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा दी गई है। यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो। मोटे तौर पे नागरिकों की विशेषताओं में 6 चीजें पढ़ी कि कुछ नागरिक केवल कुछ अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त होंगे, कुछ सबको प्राप्त होंगे। दूसरा, मौलिक अधिकार असीमित नहीं होते हैं, इनकी कुछ सीमाएं होती हैं, ठीक है। तीसरा, ये सरकार के एक पक्षीय निर्णयों के विरुद्ध भी उपलब्ध होते हैं और लोगों के यानी निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध होते हैं, मतलब सुरक्षा प्रदान प्राप्त होती है। चौथी विशेषता हो जाएगी, कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, कुछ सकारात्मक वाले होते हैं। और पांचवी विशेषता हो जाएगी कि फंडामेंटल राइट न्यायोचित होते हैं, जस्टिसेबल होते हैं, न्यायालय में प्रवर्तनीय होते हैं, ठीक है, ध्यान रख लेना। क्या बोल रहे मैम, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो उसके लिए भी आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल, बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं भाई, क्यों नहीं जाएंगे, ठीक है, ध्यान रख लेना, बिल्कुल जा सकते। अब बात करते हैं अगली विशेषता की। अगला है जी, ये स्थायी नहीं होते हैं। संसद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, याद रखना, जब तक केशवानंद भारतीवाद को या मूल ढांचे के सिद्धांत को आप अच्छे से नहीं समझोगे, इस पॉइंट को नहीं समझ पाओगे। ये बोल रहा है ये आपको दे देगा फंडामेंटल राइट ना स्थायी होते हैं, एक एमसीक्यू में एक ऑप्शन दे देगा फंडामेंटल राइट स्थायी होते हैं, तो गलत हो जाएगा। फंडामेंटल राइट स्थायी नहीं होते हैं, संसद को इनमें कटौती या कमी करने का पूरा अधिकार होता है, लेकिन ये जो कटौती है या जो कमी है ये संसद विधि बना के नहीं कर सकती, सामान्य कानून के माध्यम से नहीं कर सकती, बल्कि संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये कटौती की जा सकती है संसद के द्वारा। और दूसरी बात, ये जो कटौती हो भी रही है ना, इसमें भी ये देखा जाएगा कि कहीं मूल ढांचा तो प्रभावित नहीं हो रहा है, समझ में आया, यानी फंडामेंटल राइट स्थायी नहीं है, संसद इसमें कटौती कर सकती है, लेकिन ये कटौती साधारण विधि द्वारा नहीं कर सकती बल्कि संविधान संशोधन द्वारा कर सकती है। और साथ ही कटौती करने के क्रम में ये भी देखा जाएगा कि मूल ढांचा प्रभावित ना हो, यानी मूल ढांचे में जो जो तत्व शामिल किए गए हैं उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती, ठीक। अगली बात है, अगली विशेषता है राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान आर्टिकल 20 और 21 में, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। जब आपातकाल लगता है 352 की कंडीशन में, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की कंडीशन में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है
तो फंडामेंटल राइट को कम किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट को कम नहीं निलंबित किया जा सकता है। फिर उसमें दो अलग अलग आर्टिकल आएंगे, वो मैं धीरे धीरे पढ़ोगे मैं बताऊंगी आपको, जब 358 और 359 जब हम आपातकाल पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि फंडामेंटल राइट को आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं होंगे, चाहे सुनामी आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, चाहे आपातकाल लग जाए। ठीक, अब अगला है आर्टिकल 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है। अच्छा, ये थोड़ा डिटेल से बता दिया, ठीक है। मान लो तीन चीजें होती है ना 352 में, समझो तीन चीजें होती है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो ये बोल रहा है कि आर्टिकल 19 में जब 6 मूल अधिकार होते हैं ना, उनको तब निलंबित किया जा सकता है जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता। ये काफी डिटेल चीजें हैं जो आप आपातकाल जब हम पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि भाई फंडामेंटल राइट को आपात राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है, ठीक। बाकी आपको ये आर्टिकल, ये जो है 31, अब ये क में क्या था, ख में क्या था, ग, ये बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं हो गई हूं भुलक्कड़, है ना, कोई बात, ठंडी कॉफी कौन पिएगा। समझ में आया, आर्टिकल 31 में केवल इतना याद रखना है आपको कि भाई इसमें ना संपत्ति के अधिकार की बात थी, दैट्स इट, राइट टू प्रॉपर्टी की बात थी, और इस आर्टिकल 31 से उठा के राइट टू प्रॉपर्टी को हमने कहां रख दिया, 300 क में रख दिया, यानी विधिक अधिकारों में रख दिया, संवैधानिक अधिकारों में शामिल कर दिया। बता दो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, आर्टिकल 31 डिटेल में मत जाना, कोई जरूरत नहीं है, ना ही काम आएगा कभी भी, बाकी जाना है तो फिर वो आपकी मर्जी है। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों, सशस्त्र बल, अर्ध सैनिक बल, पुलिस बल, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। आर्टिकल 33 साफ साफ तौर पर यह कहता है फंडामेंटल राइट ना सबके लिए नहीं होते, बल्कि जो सैनिक बल हैं, अर्ध सैनिक बल हैं, पुलिस बल हैं, गुप्तचर संस्थान हैं, ऐसे संगठनों के जो व्यक्ति हैं उनके फंडामेंटल राइट्स पर प्रतिबंध लगा सकती है संसद। आर्टिकल 33 मैं आपको डिटेल से तो पढ़ाऊंगी ही, अभी के लिए इतना याद रखो। क्यों क्यों लगता है, अब जैसे मान लो गुप्तचर संस्थाएं देखिए आपने कैसे काम करती हैं, मतलब कई बार तो एक एक दो दो साल भिखारी बन के रहना पड़ता है सूचनाएं एकत्रित करने के लिए, और कोई ये कहे व्यक्ति की नहीं मेरे तो मौलिक अधिकार है मैं तो ऐसे नहीं रहूंगा, तो फिर या तो नौकरी से जाएगा, उसके फंडामेंटल राइट पे प्रतिबंध लगा सकती है संसद। अब पुलिस वाले ये कहे कि मान लो मैं तो होली पे, ईद पे, दिवाली पे छुट्टियां मनाऊंगा, अपने घर वालों के साथ रहूंगा, मैं तो नहीं जाता नौकरी पे, मेरे भी तो अधिकार है, मैं तो होली अपने परिवार के साथ मनाऊंगा, तो पुलिस वाले ही यदि होली अपने साथ मनाएंगे तो होली पे जो क्या होता है, जो सस्ता नशा करके लोग नालियों में कूदते रहते हैं, मार काट करते रहते हैं, मतलब लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, भाई जैसे ही नशा करता है ना इंसान तो फिर वो क्रोधित, क्रोध में आके थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने लगता है ना, ऐसे लोगों को कौन रोकेगा, कानून व्यवस्था को कौन संभालेगा। तो पुलिस वालों के मौलिक अधिकारों को यहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है,